रीजनिंग का ये घड़ी का चैप्टर अभी वीडियो सिलसिलेवार जारी है। जब चैप्टर पूरा हो जाएगा, एक या दो बॉडी और आएगा उसका। ये देखिए, फिलहाल तेज योग मंदर घड़ी में वास्तविक समय ज्ञात करना। लगभग सभी परीक्षाओं में घड़ी से प्रश्न आते हैं, कभी कभार एकाध परीक्षा में नहीं आता हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना होगा। देखिए, आज सुबह घड़ी प्रश्न है, आज सुबह मेरी घड़ी में 8 बजे से 6 मिनट पीछे थी। घड़ी जो 8 बजे से 6 मिनट पीछे थी, और दोपहर 2 बजे उसमें 2:12 हो रहा था। बताइए कि मेरी घड़ी में कब सही समय बजा होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए, हम लोग यहाँ पर लिख दें 8 बजे से, यहाँ पर 8 लिख दीजिए, और पीछे का यहाँ पर समय है, पीछे है 6 मिनट। कितना पीछे है? 6 मिनट। यानी कि यहाँ पर हो क्या रहा होगा, 7:54 ये हो रहा होगा, 7:54 हो रहा होगा, यानी पीछे चल रही है। अब देखिए, जब 2 बजा आखिरी में, तो यहाँ लिख दिए 2 बजा, तो ये 12 मिनट आगे, 12 मिनट आगे चल रही है। 12 मिनट आगे का सिंबल ऐसे बनाइए, पीछे का सिंबल ऐसे बनाइए, ये 6 मिनट पीछे। और अब देखिए, आगे और पीछे का समय जोड़ लिया जाए तो यहीं पर तो चमक होगी। तो फिलहाल ये 6 मिनट और 12 मिनट का समय जोड़ दिया जाएगा, तो 12 6 ये हो गया 18 मिनट। इतना हो गया आगे और पीछे, ये पहले 6 मिनट पीछे है और फिर 12 मिनट आगे, मतलब 2:12 हो रहा है 2 बजे के समय पर। तो यानी कि 2 बजे से कितना आगे चल रहा है, 12 मिनट। उस 12 मिनट को और 6 मिनट पीछे वाले समय को जोड़ दिया जाए तो कुल कितने मिनट डिफरेंस हो गया, 18 मिनट। अब ये जो 18 मिनट हो गया, यहाँ पर देखिए, ये 8 बज रहा था और 4 बजे तक, इसके इसके बीच का डिफरेंस निकाल लिया जाए तो यहाँ पर जो डिफरेंस निकलेगा वो कितने घंटे का निकलेगा, 8 4 12 होता 2 और, यानी कि 6 घंटे। ये जो 6 घंटे हुआ, ये 6 घंटे में घड़ी आगे पीछे मिलाकर कितना समय फर्क है, 18 मिनट का टोटल समय कितना फर्क है, 18 मिनट। 6 घंटे में 18 मिनट है। अब देखिए, जब 6 घंटे में 18 मिनट है, तो यहाँ पर समझ लिया जाए अच्छे से, फिर से 6 घंटे में 18 मिनट, तो इसका मतलब 1 घंटे में 3 मिनट। यहाँ पर यही समझेंगे हम लोग कि 6 घंटे में टोटल कितना है, 18 मिनट, ये हो गया मिनट और ये हो गया घंटे का समय। यानी कि 6 घंटे में 18 मिनट ये डिफरेंस है समय में, वास्तविक समय से। तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा, 1 घंटा अगर यहाँ लिख दिया जाए तो हो जाएगा ये 18/3, यानी 18/6, 18/6 यानी कि 3 मिनट। ये 3 मिनट का हो, यानी हर घंटा 3 मिनट प्रति घंटा, 3 मिनट प्रति घंटा, 1 घंटे में अर्थात 3 मिनट का अंतर आ रहा है। तो अब यहाँ पर सवाल लगभग लग चुका है, 8 बजे से 6 मिनट पीछे थी, यानी 6 मिनट अगर कवर करते हुए 8 पर पहुंच ही गई होती तो वास्तव में पीछे नहीं रहती, अर्थात सही समय रहता। तो सही समय रहता जब 6 मिनट और होता, तो अभी 6 मिनट को कवर करने के लिए 18 मिनट ये के हिसाब से 3 मिनट प्रति घंटा आ गया, तो ये 6 मिनट कवर करता अगर, तो ये पूरा का पूरा ये 8 बज जाता, तो पीछे नहीं रहती, वास्तविक समय रहता। तो इस तरह से अब देखिए, अगर 1 घंटे में 3 मिनट प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में 3 मिनट जो है तेज घड़ी अगर चले तो 3 मिनट कवर करेगी, तो 1 घंटे में जब 3 मिनट कवर कर रही है, तो हमें को यहां पर सोचना होगा कि ये जो है 3 मिनट जो कैसे कवर हो रहा है, ये समझना होगा यहाँ पर कि कैसे ये कवर हो रहा है। देखिए, 6 मिनट कवर करना हमको, 8 बज जाता पूरा पूरा, क्योंकि 6 मिनट पीछे थी, वही 8 बजा दीजिए, कैसे बजेगा कि उस 6 मिनट को पीछे को कवर करने के लिए कितना समय लगेगा, वही यहाँ पर ध्यान देना है हम लोगों को। जब 1 मिनट जो है 3 मिनट कवर हो रहा है, देखिएगा 3 मिनट कवर होता है 1 घंटे में, 3 मिनट, 3 मिनट आगे कवर तेज तेज तेजी से अगर मान लीजिए तय हो, तो कवर होगा क्या यहाँ पर, 1 घंटा। कितना घंटा हुआ, 3 मिनट जो है 1 घंटा, 1 घंटा में 3 मिनट कवर हो रहा है। अब हमको 6 मिनट कवर, यानी कि 1 मिनट कितने देर में कवर होगा, 1/3 घंटे में, और 1/3 घंटा हो जाएगा, इसलिए आपका 6 मिनट अगर यहाँ पर है, 6 मिनट तो ये बराबर हो जाएगा 1/3 × 6, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 3 मिनट अगर कवर हो रहा है 1 घंटे में, तो 6 मिनट कवर होगा 2 घंटे में, लेकिन फिलहाल लगा कर दिखा देते हैं, ये आपका 3 × 6 यानी कि 2 घंटा, यहाँ पर 2 घंटा, अब 2 घंटे में कवर हो जाएगा। तो पहले पहला बेस टाइम क्या है, बेस टाइम 8 बजे का है, बेस टाइम 8 बजे का है आपका। अब 8 बजे से आप 2 घंटा और जोड़ दीजिए, यानी बेस टाइम को 8 हम लाल से लिख रहे हैं, प्लस
प्लस इसको दो, ये नीले से हमने लिख दिया प्लस दो, तो कितना हो गया 10। अब ये 10 बजे, ये आपका उत्तर हो गया कि 10 बजे वो सही समय बताएगी। यही पूछ रहा है, बताइए कि मेरी घड़ी में कब सही समय बजा रहा होगा। तो इस 8 बजे और 2 बजे के बीच में किसी समय सही समय होगा, और वह सही समय अब निकल चुका है यहां पर 10 बजे। तो इस तरह से ये उत्तर पूरा हुआ। देखिए किस विकल्प में है, 10 बजे विकल्प बी में है, यह उत्तर लगा दिया गया। अब आगे प्रश्न हम लोग जो है अगला सवाल लगाते हैं, इसको ध्यान देने की जरूरत है इसमें बस। अब देखिए यहां पर कह रहा है 8:50 बजे से 20 मिनट पहले बैठक स्थल पर पहुंचते हुए सतीश को यह मालूम हुआ कि वह 40 मिनट देर से आने वाले व्यक्ति से 30 मिनट पहले आ गया है। यह बताइए कि बैठक का निर्धारित समय क्या था। तो पहले अब फिर से पढ़ते हुए एक बार फोकस करते हुए हम लोग चले, और यहां से समझे 8:50 से 20 मिनट पहले, 8:50 से 20 मिनट पहले यहाँ पर लिख लिया जाए, 8:50 और 20 मिनट पहले, यानी कि 20 मिनट इसमें से घटा दिया जाए, तो ये हो जाएगा 8:30, 8:30 हो गया। ये अब क्या करना है, अब ये ध्यान देना है कि जो ये सतीश को मालूम हुआ इतने पर पहुंचने पर कि वह 40 मिनट देर से आने वाले व्यक्ति से 30 मिनट पहले है। तो अब यहाँ पर ये जानना होगा ये 40 मिनट और से 30 मिनट पहले है, तो 40 और 30 का अंतर निकाल लिया जाए तो आ जाएगा 10, ये 10 मिनट आ जाएगा। ये 10 मिनट ये जो आया, यानी कि 40 मिनट से देर आने वाला भी देर से आया है, और ये जो वहां से आए हुए हैं सतीश, ये भी 30 मिनट लेट आए हुए हैं। इसका मतलब तो वास्तव में डिफरेंस निकाल लिया जाए कि कितना डिफरेंस यही आया, मतलब कितना लेट आए हैं। 30 मिनट लेट नहीं आए, बल्कि उनके उनके आने के समय में अंतर है, 30 मिनट पहले आए हैं, अर्थात ये 10 मिनट लेट आए हैं। तो 8:30 में से फिर अब यही 10 घटा देंगे 10, तो ये हो जाएगा 8:20, अब यही उत्तर हो जाएगा। वास्तविक जो है बैठक का निर्धारित समय निकल गया 8:20। देखिए किस विकल्प में है, पहले ही विकल्प में है, और यही उत्तर मान लिया जाएगा, और ये उसका पूरा उत्तर हो गया। तो अब आइए आगे जो है सवाल हम लोग लगाएंगे, अगला सवाल ऐसे और जल्दी से लगे। एक बस स्टैंड से चेन्नई के लिए प्रत्येक 40 मिनट पर एक बस छूटती है, यानी एक बस रवाना होती है। एक पूछताछ क्लर्क एक व्यक्ति को बताता है कि बस 10 मिनट पहले ही छूटी है, और अगली बस प्रातः 10:45 पर छूटेगी, अगली बस प्रातः 10:45 बजे छूटेगी। उस व्यक्ति को यह जानकारी कब दी गई, यानी किस समय दी, कितने बजे दी गई, वास्तविक जानकारी देने का समय पर पूछ रहा है। तो देखिए यहां पर हम लोगों को पहले देखना है कि ये जो है 40 मिनट पर छूटती है, 40 मिनट छूटने का समय है, और 10 मिनट पहले छूटा है। कितना पहले छूटा है यहां पर, देखिए यहां पर ऐसे तीर लगा दिया जाए, पहले 10 मिनट पहले छूटा है कोई बस अगर स्टैंड से, तो और छूटता कितना है 40, हर 40 मिनट के बाद एक बस छूट जाती है, हर 40 मिनट के बाद एक छूट जाती है, और 10 मिनट पहले छूटी, अर्थात यहां पर 30 मिनट और बीतेगा। जब प्लस 30 जब और हो जाएगा तो 40 मिनट, ये 10 पहले से है, 10 मिनट पहले छूटा है, और जब 30 मिनट और हो जाएगा तो फिर 40 मिनट आ जाएगा, अर्थात फिर एक बस छूट जाएगी, यानी अगली बस अब से 30 मिनट बाद और छूटेगी, क्योंकि 10 मिनट पहले बीत चुका है। तो वो 10 लेकर के और ये 30 मिनट मिलाकर के 40 मिनट हो गया। अब आइए जो है फिर कह रहा है, बताइए कि बैठक का निर्धारित समय, सॉरी सॉरी, तो अगली बस, यहाँ पूछा है कि तो बताता है कि बस 10 मिनट पहले ही छूटी है, और अगली बस प्रातः 10:45 बजे छूटेगी, तो 10:45 बजे अगली छूटेगी, तो वह कब छूटी होगी। देखिए यानी यही 30 मिनट जो लाल घेरे में लिखा हुआ है, यही 30, तो 10 मिनट पहले भी चुका है, तो केवल 30 मिनट और लग जाए तो फिर 40 मिनट हो, फिर एक बस छूट जाएगी। तो अगली बस अगर 10:45 पर छूटी है तो उसको लिख लीजिए, और 10:45 में से यही 30 घटा दीजिए, तो ये निकल जाएगा 10:15। अब ये 10:15 पर वास्तव में ये जो पूछा गया है कि उस व्यक्ति को यह जानकारी कितने बजे दी गई, तो उस व्यक्ति को यह जानकारी उसने 10:15 पर दी, क्योंकि 10:15 में फिर अगर 30 जोड़ दीजिए 30 मिनट, क्योंकि 30 मिनट बाद फिर छूटेगी, तो फिर क्या आ जाएगा भाई 10:45। अब देखिए 10:45 बजे छूटना था, समय 10 बजे छूटेगी 10:45 पर, अर्थात अब आपका सवाल निकल चुका है 10:15, यानी कि आज घटाने के बाद जो निकला है यही, इसी पर फोकस करेंगे, ये आपका उत्तर निकल गया है। प्रातः 10:15 विकल्प सी में है, आपका ये उत्तर निकल गया। दोस्तों अब ये वीडियो देखिए, हमारे अगर नए सब्सक्राइबर आप बनने वाले हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए,
और अगर नहीं तो लाइक करते रहिए, ताकि हम अध्ययन सामग्री जब भी लेके आए आपको मिलता रहे, आपको तैयारी में हम आपके सहयोग देते रहेंगे।